देख रहे हैं SGN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। केंद्रीय विद्यालय के जमीन आवंटन मामले में रालोसपा का लगातार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्र लोक समता पार्टी की जिला इकाई पूर्णिया ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका। नीतीश कुमार पर लगाया अड़ियल रवैये का आरोप, कहा NOC नहीं देने के लिए अड़े हुए हैं नीतीश। बिहार सरकार की गलत नीति के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय आरनसा चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला रालोसपा के सदस्यों द्वारा फूंका गया। आरोप है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए नवादा और औरंगाबाद में जमीन आवंटित करा दी गई थी, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अब तक NOC नहीं दिया है। रालोसपा लगातार आंदोलन कर चेतावनी दे रही है कि जब तक नीतीश कुमार केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित नहीं करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन इनका जारी रहेगा। ये जो आज भी कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, 26 तारीख से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमरान अनशन पर बैठे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार जी को जमीन मुहैया है, सिर्फ उन्हें 5 मिनट लगेगा NOC देने में और केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है कि अपनी शिक्षा विरोधी को लेकर वो अपनी काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ये NOC नहीं देते हैं तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है अभी तक वो आमरण अनशन पे है और क्या? देखिए, आमरण अनशन तब तक चलते रहेगा जब तक नीतीश कुमार NOC नहीं देते हैं, क्योंकि जमीन उनको अपना घर से नहीं देना है, जमीन उपलब्ध है और जमीन उनको देना चाहिए। गरीब गुरबा बच्चे को पढ़ाई में बहुत तकलीफ हो रही है, इससे स्कूल खुलने से 5,000 विद्यार्थी कम से कम जो है कि बिहार में शिक्षा ले सकते हैं। देखिए, लगातार आपको पता है संसद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं और अभी का कल मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, जिला धर्म का कार्यक्रम, आंदोलन चलते रहेगा। लेकिन हम लोगों का जो मांग केंद्रीय विद्यालय पूरे बिहार में मोटा मोटी 38 के आसपास है, 38 में से हमको लगता है 36 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट भवन में चल रहे, जबकि प्राइवेट भवन में मात्र 450 बच्चे से ज़्यादा 400-450 बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय बनाई जाएगी उसमें लगभग 1500 से 1600 बच्चे पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से जोड़ लीजिए, बिहार में कम से कम 5,500 आदमी अभी बच्चे वंचित हैं केंद्रीय विद्यालय। और अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मैं जमीन मुहैया नहीं करूंगा, नहीं NOC दूंगा। अरे, जमीन आपको मुहैया हम कराने कहाँ कह रहे हैं? वहाँ औरंगाबाद देवकुंड में ऑलरेडी महंत जी एक हैं, वह जमीन दे चुके हैं, नवादा में जमीन दे चुके हैं, सिर्फ उनको NOC देना है, लिख के हाँ ठीक है बने की जाए। लेकिन एक ईगो बना दिया है बिहार में, नीतीश कुमार नहीं चाहता कि बिहार के बच्चे पढ़े, बिहार का बच्चा शिक्षित हो, नीतीश कुमार की तनिक भी मनसा नहीं। क्या लगता है जब तक अगर जमीन मुहैया नहीं कराया जाएगा, NOC नहीं देगा? देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक अडिग हैं कि जमीन मुहैया नहीं कराएगा, तब तक हम अनशन पर रहेंगे और बिहार भर के कार्यकर्ता रोड पर हमेशा उतरते रहेगा, अलग अलग कार्यक्रम को लेकर के आक्रोश मार्च निकालेंगे। बहुत तरह का कार्यक्रम है जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो लगातार चल रहे हैं।